India's Chandrayaan 3 mission to the moon continues to send updates back to Earth. हाँ देखा मैंने सब अच्छा अभी देखा अभी नहीं देख Look at me. Let's make a Skibidi Horror Survival Game. So, जिनको पता नहीं है कि Skibidi Toilets क्या है तो भाई तुम बहुत सही लाइन पे थे बट अब गलत लाइन पे आ गए हो क्योंकि इस ट्रेंड को देखने के बाद तुम ये करोगे इट्स रियलिटी सो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जीएन के बेली डांस से जो अब तक लोगों के घरों के संडास तक जा पहुंचा है ये साले टॉयलेट ट्रेंड में किसे आ गए बे हाउ 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 कोई नहीं गाइस अगर बहती हुई गंगा कहीं दिखे तो हाथ धो लेना चाहिए सो अगर तुम्हें Skibidi की स्टोरी नहीं पता तो इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है कुछ साइंटिस्ट लोग एक लैब में कुछ रिसर्च करते हैं जिससे एक टकला जन्म लेता है ये टकला बिल्कुल सेम दिखता था जैसे तुम लोग बचपन में दिखते थे यस एकदम शेमड़ा सो ये शेमड़ा टकला साइंटिस्ट लोगों को पसंद नहीं आया था सो उन्होंने इसको एक फेल एक्सपेरिमेंट बोल के गंदे नाले में फेंक दिया सही किया वैसे सो ये शेमड़ा टकला कुछ सालों के बाद पावर्स गेन करके जमीन पे आ जाता है और लोगों की ऐसी की तैसी करने लगता है सो इस सिचुएशन को देख के फिर साइंटिस्ट लोगों ने नए म्यूटेंट्स तैयार किए कैमरामैन स्पीकर मैन एंड टीवी मैन एंड इनके टाइटन वर्जन भी जो इन टॉयलेट्स की अभी ऐसी की तैसी कर रहे हैं बट जो मेन शेमड़ा टॉयलेट है जिसका नाम जी मैन है वो अपनी पॉपुलेशन खुद ही बढ़ा रहा है सेल्फ रिप्रोडक्शन में भी आई डोंट नो बस अगर तुम्हें आगे की स्टोरी देखनी है तो खुद सर्च कर लो सो ये स्टोरी स्टडी करने के बाद मैंने ये सोचा है कि हम इन टॉयलेट्स पे एक अच्छा हॉरर गेम बना सकते हैं वो भी हॉरर सर्वाइवल गेम सो व्हाई नॉट लेट्स मेक द गेम सो ये एक हॉरर गेम होने वाला है तो हमें सबसे पहले चाहिए एक हॉरर मैप एंड मैं अगर हॉरर मैप स्क्रैच से बनाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा और अगर मैं इसमें ओवर टाइम लगाऊंगा तो लोग मुझे सीधा उड़ा देंगे सो इसीलिए एक मिनट कोई नहीं है जो चीज पहले से बनी हुई है उसको फिर से क्यों बनाना डोरेमोन का मैप ना विलेज का मैप नहीं वो सिर्फ विलेज के लिए प्यारी नानी हस्तरी शिनचैन ये मैप सही रहेगा नाइस सो हमारा मैप तो आ गया है अभी हमें इसको एक हॉरर मैप में कन्वर्ट करना होगा एंड इस बार हम एक न्यू अप्रोच ट्राई करेंगे हॉरर सीनरी बनाने के लिए जो बिल्कुल इजी है लाइट बेकिंग यस लाइट को पकाया जाएगा ये मैंने टीडीएम गेम में भी किया था तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा इस बार सो मैंने सबसे पहले सीन को नाइट सीन में कन्वर्ट किया एंड स्ट्रीट्स पे थोड़े पॉइंट लाइट्स डाल दिए ताकि थोड़ा उजाला रहे एंड ये एक हॉरर गेम है तो ऑब्वियसली नाइट ही रहेगी क्योंकि दिन में तो तुम डरने नहीं वाले और दे दे क्या हालचाल अरे भाई भूत एंड हमें इतने बड़े मैप की नीड नहीं है तो मैंने इसमें से कुछ एरियाज काट दिए हैं एंड कुछ घरों की विंडोज पे लाइट्स भी डाल दिए हैं एंड जस्ट बेक सो गाइस बेक होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए एंड पता नहीं रोड में छाले क्यों गिर गए अबे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है 2 घंटे की लाइट बेकिंग डिलीट करनी पड़ेगी ओके कोई बात नहीं दूसरा बेक ओके शायद ये वाला बेक सही से हो गया है ओह यस एंड द मैप इज लुकिंग वेरी नाइस बेसिकली मैंने यहाँ पे डिनोजर को चेंज करके सैंपल्स वैल्यूज बढ़ा दिए थे सो इट वर्क्ड अभी भी मैप में थोड़े सीम्स है बट इट्स इग्नोरेबल सो अभी के लिए मैप के लिए बस इतना काफी है अगर भी इसमें और थोड़ी सी डिटेल्स डालूंगा तो शायद तुम्हारा डिवाइस ब्लास्ट हो जाएगा वह भाई ब्लास्ट को सिर्फ कारण है आपको और डिटेल्स ऐड नहीं करनी ये पकड़ ये क्या है कैलकुलेटर क्यों आपको मैथ्स नहीं आती क्या जो कैलकुलेटर साथ में लेके घूम रहे हो 1000 डिवाइड बाय 0 कर 1000 डिवाइड बाय 0 सो नाउ प्लेयर की बारी एंड ये एक हॉरर गेम है तो हमें प्लेयर को फर्स्ट पर्सन में ही बनाना होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन में ही ज्यादा स्केरीनेस होती है सो मैंने गेम में फर्स्ट पर्सन मूवमेंट इंप्लीमेंट कर दी है एंड नाउ अभी हम मैप को एक्सप्लोर कर सकते हैं मुझे शक है कि ये ग्राफिक्स मैंने ही बनाए हैं एंड नाउ अभी मैं गेम में वो चीज ऐड करूंगा जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो तो ठीक है बट इस गेम में शिजुका के मम्मी का क्या काम हो सकता है फिर भी अगर डाल ही रहे हो तो वो गॉड ऑफ वॉर वाला ओ बटन स्पैम करने का ऑप्शन जरूर देना वैसे भी मैं अकेला ही खेलता हूँ
आई एम टॉकिंग अबाउट शूटिंग यू फूल। यस, एज आई सेड कि ये सर्वाइवल गेम है तो हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ हथियार भी चाहिए। एंड अब शूटिंग की बात हो ही रही है तो हमारा ऑब्वियसली पहला वेपन रहेगा पिस्टल। पिस्टल सो मुझे स्केच पैड पे एक अच्छा पिस्टल का मॉडल मिल गया है जिसे हम गेम में इस्तेमाल करेंगे। सो मैंने वेपन्स को यूनिटी में वर्क कराने के लिए एक वेपन स्टेट मशीन की प्रोग्रामिंग की। इससे हम एक ही स्क्रिप्ट के थ्रू जितने चाहे उतने वेपन्स गेम में डाल सकते हैं, लाइक पिस्टल, चाकू, लेजर गन, AK-47, हथौड़ी एंड और भी बहुत सारे गन्स। कुछ गलत हुआ क्या? एनीवेज, सो ये पिस्टल अभी वर्किंग है एंड इसका हिट शो करने के लिए मैंने पार्टिकल सिस्टम एंड बुलेट ट्रेल भी डाली है। सो पिस्टल कहाँ पे हिट कर रही है वो हम देख पाएंगे एंड मैंने पिस्टल पे एनिमेशंस भी डाल दी है सो जिससे पिस्टल चलाने में मजा आएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे प्लेयर के लिए आर्म्स डालने वाला था एंड मैंने पिस्टल के साथ उसके लिए कुछ एनिमेशंस भी बनाए थे जो देखने में भी अच्छे लग रहे थे। बट ये एनिमेशंस मैंने यूनिटी में बनाए थे यूजिंग आई के, जिसमें हर एक एनिमेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ब्लेंडर से कम ही लगता है। एंड हमारे इस गेम में बहुत सारे वेपन्स एंड आइटम्स होने वाले हैं एंड अगर मैं इन सब के लिए एनिमेशन बनाऊंगा तो इतना टाइम जाएगा कि तुम्हारे डायपर पहनने की उम्र निकल जाएगी। सो इसीलिए नो हैंड्स। ये सब हम विलेज के डायलॉग 3 के लिए बचा के रखेंगे। ओके, सो हमारी पिस्टल पूरी वर्किंग है बट ये एक वेपन हमारे पूरे गेम के लिए काफी नहीं है, हमें और वेपन्स चाहिए। अरे अरे कान क्यों बंद करो, मैं तो बस ऐसे आया था मैं। अरे वो देखो चवन्नी, जो चीज पहले से बनी हुई है उसको फिर से क्यों बनाना। तो मैंने कुछ राइफल्स के मॉडल्स लिए हैं स्केच पैप से एंड सिंस मैंने गेम में वेपन के लिए एक वेपन स्टेट मशीन बनाई है तो नए गन्स डालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बड़े वेपन्स के लिए मैंने सबसे पहले दूसरे एनिमेशंस बनाए जो आई थिंक इतने भी बुरे नहीं है एंड द शूटिंग इज ऑल्सो वर्किंग नॉइस। एंड मैंने गेम में ऐसे और भी गन्स डाले है लाइक सब राइफल, बर्स्ट गन, लेजर गन एंड हम सबका फेवरेट RPG। यस बूम बेबी या। एंड हर एक सर्वाइवल गेम में एक ना एक मेली वेपन होता ही है सो हम भी एक मेली वेपन डालेंगे बट उससे पहले बूम बेबी। सो मेली वेपन के लिए मैंने डाला है एक्स एंड मैंने एक्स के लिए कुछ एनिमेशंस भी बनाए हैं जो दिखाने से पहले बूम बेबी। सो मैंने एक्स के लिए कुछ अटैक एनिमेशंस बनाए हैं जो इतने भी बुरे नहीं है एंड इतने भी अच्छे नहीं है एंड सभी वेपन्स अटैक्स के लिए ही है जो एनिमी के अगेंस्ट यूज होंगे। सो अभी प्लेयर के वेपन्स हो गए हैं, नाउ बूम बेबी। ये लास्ट था। सो गाइज अभी हमें चाहिए इन्वेंटरी ऑब्वियसली। सो मैंने इन्वेंटरी की एंड आइटम्स की स्क्रिप्टिंग की जिससे हम अभी मैप में आइटम्स को स्पॉन कर सकते हैं एंड उसको इक्विप एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। एंड एक हॉरर गेम में तुम सिर्फ एक ही आइटम पकड़ सकते हो एंड एक सर्वाइवल गेम में तुम डोरेमोन के पॉकेट में जितने आइटम्स जा सकते हैं उतने आइटम्स डाल सकते हो। सो इसीलिए हम आइटम स्टोरेज के लिए सिर्फ 3 स्लॉट्स देंगे क्योंकि ये एक हॉरर सर्वाइवल गेम है एंड यहाँ भी हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने खुद नहीं लगाया है। तो अभी गेम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्किबिडी टॉयलेट्स फाइनली। एंड स्किबिडी टॉयलेट्स बनाना बहुत इजी है, बस ज्यादा कुछ नहीं, एक संडास एंड उसके अंदर की लेंडी डट टकला टकला व्हाटएवर, इट्स सो इजी। तो मैंने स्केच पैड से एक टकले टॉयलेट का मॉडल उठाया। हाँ ये उससे भी ज्यादा इजी था। बाय द वे मुझे इस मॉडल को एडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी चोंच थोड़ी बढ़ा दूं तो, अरे वाह। देखो गाइज, एक होता है खेबा टकला, एक होता है सुनियो एंड एक और होता है फिनियस एंड एक उसके भी ऊपर आता है डुक्कर, खेबड़ा डुक्कर, बट उसके भी ऊपर आता है खेबड़ा सोरस। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ बे? सो मैंने यूनिटी मीन्स की बिडी टॉयलेट्स को इंपोर्ट कर दिया है एंड नाउ अभी हमें इन्हें हॉरर एनिमीज में कन्वर्ट करना होगा। बट कैसे? अभी इस लेंडी टकले को देख के तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, कितना मस्त टकला है रे तेरा टकला टकला। ओके सो गाइस, मुझे नहीं लगता कि हम इस टकले को हॉरर में कन्वर्ट कर पाएंगे सो तुम्हें इसी टकले को हॉरर मानना पड़ेगा। किसी ने नहीं बोला क्या? हाँ, सो अभी हमें इस टकले को एनिमेशन देनी होगी, बनानी पड़ेगी बट यूनिटी में। आई एम सॉरी ब्लेंडर, आज मैं तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगा। अरे तू रो रहा है क्या? रो मत है? अबे ये तो शेम्बुल है, हट तेरी। सो आई मेड सम एनिमेशंस फॉर द टॉयलेट, लेट मी शो यू मेरे दोस्त। ये है आइडल एनिमेशन एंड ये एनिमेशन ऐसी है कि हर साउंड इफेक्ट के साथ मैच कर जाएगी, अ सिंपल हॉरर साउंड। टुनुक टुनुक साउंड इफेक्ट, अ रैंडम इफेक्ट, अ पक 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 इफेक्ट। एंड मैंने अटैक के लिए एक दांत तोड़ने वाली एनिमेशन बनाई है जो थोड़ी हॉरर भी है। ये अटैक सीधे तुम्हारे दांत तोड़ देगा एंड गाइस इस पे भी साउंड इफेक्ट आएगा या। एंड मैंने टॉयलेट की डेथ के लिए एक फ्लश एनिमेशन भी बनाई है एंड मुझे पता नहीं है बट मैंने एक और एनिमेशन बनाई है अटैक के लिए, बट आई थिंक ये अटैक के लिए यूज नहीं होने वाला। नाउ इमेजिन तुम लोग सुबह अपने पर्सनल बैंक में गए हो एंड तुम्हारे पास लास्ट 3 महीने के पैसे जमा है जो कि अब नोटों की बड़ी गड्डी बन गई है और तुम लास्ट 30 मिनट से स्ट्रगल कर रहे हो कि वो बड़ी सी नोटों की गड्डी तुम्हारे जेब से बाहर निकल जाए और बस तभी उस नोटों की गड्डी का थोड़ा सा हिस्सा बाहर आ जाता है और तभी
अबे यार कहाँ घुस जाता हूँ मैं बार बार। ओके सो गाइस, मैंने टॉयलेट के लिए एक स्टेट मशीन बनाई जो टॉयलेट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैंडल करेगा। क्या माला ये टकला मार रहा या फ्रेंच किस फेंक के मार रहा। एनीवेज गाइस, बट इट्स वर्किंग। अबे हराम से रुक रुक, पागल हो गया क्या। एंड गाइस यहाँ पे एक थोड़ा सा बग है, जब ये टकला अपना टकला प्लेयर को मारता है तो प्लेयर थोड़ा साइड में सरक जाता है बिकॉज इसके टकले पे एक स्फीयर कोलाइडर डाला हुआ है हेडशॉट्स के लिए एंड प्लेयर पे कैरेक्टर कंट्रोलर लगाया हुआ है। एंड ये दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों भी इस ट्रिगर फॉल्स है फॉर सम रीजंस। बट एक मिनट, अगर ये प्लेयर को मार रहा है तो प्लेयर को पीछे गिर जाना चाहिए राइट। सो मैंने थोड़े से कोड में चेंजेस किए एंड नाउ अगर तुम्हें ये अपने टकले से मारता है तो तुम लोग पीछे चले जाओगे। इफ यू कांट सॉल्व अ बग, मेक इट अ फीचर। तो गाइस सिर्फ एक स्किबिडी टॉयलेट के टाइप से काम नहीं चलने वाला, हमें और टाइप्स के टॉयलेट चाहिए जो प्लेयर से भी खतरनाक हो क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो प्लेयर के पास क्या क्या है। पिश 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 पिस्टल एंड बूम बेल। एंड देखो, जब तक प्लेयर तड़पेगा नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली, मुझे तुम्हें गेम के अंदर तड़पता हुआ देखना है। सो टाइप टू में टॉयलेट्स के पास रहेंगे वेपन्स एंड व्हेन आई मीन बाय वेपन्स आई मीन वेपन्स। एक वेपन नहीं, दो वेपन नहीं, तीन वेपन्स एंड आई स्टिल मीन बाय वेपन्स। तीन राइफल नहीं, तीन बर्स्ट राइफल नहीं, तीन सब राइफल भी नहीं, तीन बूम बेब। प्लेयर को देखते ही फोड़ दिया जाएगा। बट अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम लोग स्टिल दीवार पे चढ़ के इन टॉयलेट से बच सकते हो, इसीलिए टाइप 3 हवाई संडास जो मैप में कहीं भी घुस सकते हैं। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। एंड एक मिनट, ये जगह खाली क्यों है बे। भाई तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये ना इंसाफ भी हमारे साथ। अच्छा, नाउ टाइप 4 बनाने से पहले हम बनाएंगे गेम का बॉस। यस, टेंटिकल्स वाला बॉस। मिक्सी तुम लोगों का कुछ उखाड़ नहीं पाई तो क्या हुआ, ये जरूर उखाड़ेगा। सो मैंने ब्लेंडर के अंदर टेंटिकल्स का 3D मॉडल बनाया। कभी कभी ब्लेंडर भी यूज कर लेना चाहिए। सो मैंने इन टेंटिकल्स को यूनिटी में डाल दिया है एंड अभी हमारे पास इन टेंटिकल्स को वर्क में लाने के लिए दो अप्रोचेस है, एक हाइब्रिड फिजिक्स एंड दूसरा इनवर्स किनेमेटिक्स, इन शॉर्ट IK। एंड ऑब्वियसली हम IK के साइड ही जाएंगे क्योंकि अगर मैं इन टेंटिकल्स पे इतनी हैवी फिजिक्स यूज करूंगा तो तुम्हारे डिवाइस कैसी की तैसी हो जाएगी बिकॉज इसमें इतने सारे फिजिक्स जॉइंट्स लगेंगे कि तुम्हारे गेम की 60 फ्रेम सिर्फ इसकी फिजिक्स कैलकुलेट करने में लग जाएंगे। एंड मोबाइल डिवाइस वालों की तो पूछो मत। मैंने इन टेंटिकल्स पे IK सेटअप कर दिया है एंड मैंने इन टेंटिकल्स के मूवमेंट के लिए प्रोसीजरल मूवमेंट बनाई है जो हर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपना एक टेंटिकल मूव करेगा। ऑल थैंक्स टू कोडिर फॉर दिस अमेजिंग लॉजिक। एंड ऑल्सो मैंने स्किबिडी टॉयलेट को इन टेंटिकल्स के अंदर डाल दिया है। बट सिंस ये गेम का मेन बॉस है तो हमें एक हेबड़ा नहीं चाहिए। कितना काला टकला है तेरा टकला टकला। स्किबिडी 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 स्किबिडी, ये है हमारा बॉस स्किबिडी नानी। एंड नानी के अटैक्स के लिए टेंटिकल्स ही काफी है। ये रहा एक टेंटिकल और ये रहा दूसरा। थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग, लेट्स टेस्ट। कितने बड़े हुए बे। ओ नानी 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 नानी, जब माला भागने का मौका भी नहीं दिया। सो नानी ने मुझे देखते ही मार दिया। इसका मतलब जानते हो, द बॉस इज रेडी। ये नानी अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई तो इसका पीछे छुड़ाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। एंड मैंने टाइप 4 के लिए इन टेंटिकल्स का एक स्मॉल वर्जन भी बनाया है जो सिर्फ सिंपल वेपन अटैक करता है। एंड यहाँ पे लेवल के प्रोग्रेशन पे टॉयलेट्स के लेवल्स भी बढ़ेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग नॉर्मल टॉयलेट से रहेगी जो जाके गोल्ड तक पहुंचेगी। यस, बिकॉज ये सर्वाइवल गेम है तो यहाँ पे टॉयलेट्स के मल्टीपल लेवल्स भी रहेंगे। एंड मैंने हर टॉयलेट को डिफरेंट दिखाने के लिए कुछ एसेसरीज भी दी है जिससे टॉयलेट्स में रिपीटेशन नहीं दिखेगी। सो एनिमीज के लिए अभी इतना बस है, बट अभी हमें प्लेयर को भी बैलेंस में लाना होगा क्योंकि एनिमीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। सो मैंने प्लेयर के लिए कुछ हेल्थ आइटम्स बनाए हैं जो प्लेयर को सर्वाइव करने में मदद करेंगे। एंड मैंने आइटम्स स्पॉनिंग के लिए टॉयलेट्स का यूज किया है जो कि इस थीम से भी मैच करेंगे। एंड ये टॉयलेट्स तुम्हें मैप में रैंडमली किसी भी के आसपास मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आइटम्स कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि एक आइटम लेने के बाद दूसरा फटाक से स्पॉन हो जाएगा। ये लो गाइस, संडास से निकला हुआ एप्पल खा लो। इसे तो मैं फ्रेश नहीं बोलूंगा, बट अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो ये तुम्हें खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाना तो भाड़। ये लो गाइस, केक खा लो, इससे तुम्हें 200 HP मिलेगी। ये क्रीम मुझे कुछ सही नहीं लग रही, बट अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो खाना पड़ेगा। ये लो गाइस, रॉकेट लॉन्चर ले लो, ये लैंड ये बम फेंकता है। कुछ ज्यादा हो गया। एंड प्लेयर को बूस्ट करने के लिए मैंने गेम में दो पावर अप्स भी डाले हैं, एक स्पीकर की पावर एंड एक टीवी की पावर। टीवी की पावर सिंपली बाकी टॉयलेट्स को टीवी दिखा के डैमेज करती है लाइक दिस, एंड स्पीकर की पावर टॉयलेट्स को हिप्नोटाइज करती है एक साउंड सुना के। やめてください!
देखो मुझसे मत पूछो कि मैंने साउंड क्यों डाला है, बस मत पूछो, मुझे जवाब ही नहीं देना, मैं जा रहा। सो गाइस एवरीथिंग इज रेडी नाउ, एंड अगर तुम्हें गेम को कंप्लीट करना है तो तुम्हें इस गेम के सारे रिएक्टर्स को कंप्लीट करना होगा बाय गिविंग देम ब्लड, एंड ये ब्लड तुम्हें स्किबिडी टॉयलेट्स को मार के मिलेगा। एंड जब सारे रिएक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब टेंटिकल वाली नानी अनलॉक हो जाएगी, जिसको अगर तुम मार पाओ तो गेम कंप्लीट हो जाएगा, जो तुम कर तो नहीं पाओगे बट ट्राई कर सकते हो और क्या, नो ऑफेंस। सो नाउ द गेम इज कम्प्लीटेड, अगर तुम्हें इस गेम को खेलना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड के लिंक्स दे दिए हैं, एंड डिस्कॉर्ड पे भी लिंक्स दे दिए हैं, एंड ये गेम पीसी एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए है बट लो एंड डिवाइसेस के लिए अभी नहीं है, बट तुम स्टिल ट्राई दे सकते हो, क्या पता चल जाए, एंड अगर गेम में बग्स मिल जाए तो डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देना। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।